अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की मिक्स सब्जी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगी मेथी, आधा किलो है, मतलब दो बड़ी गट्टियाँ, आधा किलो जितनी, आधा किलो ही आप लगा लें। धोकर अच्छे से काट लेंगे, ऑयल ले लेंगे 1 कप से थोड़ा सा काम। ये हमारी गोभी है, 1 कटोरी ले लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, सब्जी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जी ये देखिए, लाल मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची 1-1 चम्मच छोटा, हल्दी 1/2 चम्मच, ये देखिए ज़ीरा 1 चम्मच छोटी, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक हसब जायका, और ये देखिए प्याज 1 लेंगे बड़ा, आलू 4 लेंगे मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर ले लेंगे, लहसुन ले लेंगे 1 चम्मच बड़ा, और मटर 5 हरी मिर्ची। मटर अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने बताया ना, जो भी सब्ज़ी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी सारी, से हम बनाना शुरू करते हैं। ये ऑयल डाला दोस्तों, मेथी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, विटामिंस भी होते हैं, आयरन भी होती है, बहुत इसके फ़ायदे होते हैं मेथी के। तो देखिए हमने ऑयल डाला इसके अंदर, गरम करेंगे हल्का सा, इसके अंदर प्याज कट कट के पूरा डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है, प्याज कट करके जल्दी से इसके अंदर हम डाल देंगे, और इसे हल्का सा, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे। दोस्तों हमारा जो कैमरा है ना, वो बहुत मसला कर रहा था, इंशाल्लाह कैमरा भी हम चेंज करेंगे। और ये देखिए प्याज डाल दिए हल्का सा, बस कलर जब चेंज होगा और कलर उसका जब वाइट सा हो जाएगा, इसके अंदर हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना हुआ था हमारा वो ऐड कर देंगे इसके अंदर फौरन से। ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करना, नॉर्मल सा ही रखना है, बस कलर चेंज हो जाए। ये हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना हुआ था वो डाल देंगे, चम्मच चलाएँगे हल्का सा, और जो हमारा ज़ीरा था वो भी फ़ौरन ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब हम लहसुन डालेंगे ना इसके अंदर, तभी ऐड कर देंगे हमारे जो ज़ीरा था, चम्मच लाएंगे अच्छे से इसे। और ये देखिए हमारा लहसुन अदरक भून चुका है हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना, बस लाइट लाइट सा बस रखना है इसे हमने। मटर डाल दिया हमारे इसके अंदर, हल्का सा चम्मच लाएंगे इसके अंदर, 2 से 3 मिनट हमने इसे पकाया। टमाटर डाल दिए हमारे 2 अदद थे, बड़ा हो तो आप 1 ले लें, अगर छोटे मीडियम साइज के हैं तो 2 ले लें, कोई मसला नहीं है। चम्मच लाएंगे हल्का सा, टमाटर गल जाए, टमाटर हमारा गल रहा है इसके अंदर, हमारा मसाला तैयार हो रहा है सब्जी के लिए। ये जो हमारे मसाला जाते हैं सारे इसके अंदर ऐड कर दें एक बार ही सारे, चम्मच लाएंगे। दोस्तों नमक आप हंस मजाए के रखिएगा, अपने पसंद के मुताबिक जो आपके घर में खाया जाता है। चम्मच लाएंगे अच्छे इसके अंदर हम। मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा हमारी मिक्स सब्जी मेथी की कैसी लगी। ये मैंने गोभी ऐड कर दी, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, भूनते जाएंगे। ये देखिए जो हमारी मेथी थी वो इसके अंदर हम डाल देंगे, 2 बड़ी गट्टियाँ थी मेथी की हमारी, अब चाहे जितनी भी डाल सकते हैं, जितने घर के अफराद हैं जितना बनाना चाहते हैं। अच्छे से काट कर धोकर और इसके अंदर मेथी डाल देंगे, इसे चम्मच लाएंगे अच्छे से, ये देखिए दोस्तों जो हमारे आलू थे 4 अदद बड़े मीडियम साइज के चाहिए आप लेने,
वो इसके डाल देंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। उसके बाद इसे हम दम पर लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। चम्मच लाएंगे अच्छे तरीके से ताकि मसाला आलू और मेथी जो है हमारी सब कुछ अच्छे से यकजा हो जाए आपस में। ये देखिए इसका पानी, इसका पानी में अच्छे से खुश्क करना है फिर हम दम लगाएंगे। ये देखिए इसका पानी खुश्क होने ही वाला है। इसके अच्छे से बुनाई करते जाएंगे, उसकी बुनाई शुरू हो चुकी है। ये देखिए जी, अच्छे से बुनते जाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक इसे हम दम लगा कर रख देंगे। चम्मच लाएंगे अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितनी प्यारी हमारी सब्जी बन रही है, बहुत ही मज़े की बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए बनते जाएंगे हम, जो हमारी मिर्ची थी उसके अंदर डाल दी है और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसे और भून लेंगे ताकि अच्छे से हमारा घी जो है जो ज़ाहिर होने लग जाए, पानी सूख जाए। और ये देखिए कि पानी भी खुश्क हो चुका है और बाहर आने लग गया है। हमारा सारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस चम्मच लाएंगे हल्का सा, ढक्कन दे के रख देंगे कुछ देर के लिए। और जी ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पक्कर रेडी हो गई है। अभी चम्मच लाएंगे और डिश आउट करेंगे इसे हम। बहुत ही मज़े की बनी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सच में। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए जी, नमक भी चेक कर लेंगे, आलू भी चेक कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्टली हमारा सालन तैयार होना चाहिए ना, तो इसलिए हम हर चीज़ चेक कर लेंगे। सालन हमारा तैयार ही है। अगर आपको लगे नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। आलू की कसर थोड़ी सी आपको नज़र आए कि थोड़ी सी कमी है पकने में, तो फिर आप और मसीद दम लगा सकते हैं इसे। चम्मच लाएंगे सच्चे तरीके से। हमारा सारा बिल्कुल रेडी था, केले भी थी जो मैंने ढक कर के लिए रख दिया था ताकि बिल्कुल और भी अच्छी पक जाए। और ये जी देखिए हमारी डिश रेडी है। एक मिनंडा उबाइल करके हल्की सी काली मिर्ची डालकर वो भी रख दी ऊपर इसके, ताकि हमारा सालन मज़ीद और अच्छा लगे और अच्छी खूबसूरती आए। तो जी ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।